सब्सक्राइब कीजिए लुकेश टेक को और दबाइए इस बेल आइकन को टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एंड्रॉइड के फ़ोन के रूटिंग के बारे में बताने वाला, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको एंड्रॉइड फ़ोन रूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने एंड्रॉइड फ़ोन रूट किया है या फिर आपने करने वाले हैं या फिर आपके आसपास के आपके फ्रेंड्स अगर आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन को रूट करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको एंड्रॉइड फ़ोन रूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपको एंड्रॉइड फ़ोन रूट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये चीज़ मैं आपको जानूँ। पहला चीज़, अगर एंड्रॉइड फ़ोन आप रूट करते हैं तो सबसे पहले से ये होता है कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन की जो वारंटी है वो बॉड हो जाती है। अगर आप जो एंड्रॉइड फ़ोन के अगर वारंटी के जो आप यूज़ फैसिलिटी का अब आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कोई भी अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वारंटी की मदद से फ्री में आपको अपने फ़ोन बना सकते हैं। चाहे तो आपको किसी हैंगिंग प्रॉब्लम हो चाहे किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है फिजिकल डैमेज के अलावा ना होने पर भी, तो जो है आप जो सारा जो फ़ायदा जो है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में पा सकते हैं जो भी बिना कॉस्ट के फ्री में बिल्कुल अगर वारंटी होता है तो। लेकिन अगर अपने फ़ोन को अगर वॉल रूट करते हैं तो आपको जो है वारंटी में आपका फ़ोन नहीं आता है, उस कंडीशन में जो सर्विस सेंटर वाला है आपके फ़ोन को फ्री में नहीं बनाएगा। तो क्या होता है कि एंड्रॉइड फ़ोन को रूट करने से और भी दूसरे से जो बहुत सारे नुकसान होते हैं वो सही आप जान लीजिए कि अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन को रूट करते हैं तो इससे होता ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में जो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, और कई सारे सॉफ्टवेयर आप ऐसे देखते होंगे जिसमें कि आपको रूट परमिशन मांगता है, जो कि अगर आप जो है रूट कर लेते हैं तो वो आपको रूट परमिशन दे देता है, उस कंडीशन में आपके फ़ोन में जो है आप जो रूट के ऐप्स जो होते हैं रूट प्रिविलेजेस जो मांगते हैं रूट परमिशन जो मांगते हैं वो सारे ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो ऐप्स जो क्या करते हैं रूट परमिशन तो मांगते हैं लेकिन साथ में वो ये चीज़ करते हैं कि आपके फ़ोन के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसको चुरा लेते हैं, वो आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। साथ में जब आप नेट से कनेक्ट करते हैं तब वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं नेट में अपलोड कर देते हैं, जो हैकर्स तक आपको जो इंफॉर्मेशन पहुँच जाता है। और चीज़ ये बता दूँ कि आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम बना होता है, लिमिट दिया रहता है कि आपके फ़ोन के प्रोसेसर को कितना वर्क करना है। आप जानते होंगे आपके प्रोसेसर का एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट, अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के प्रोसेसर को तो आपका फ़ोन जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम होता है, आपका फ़ोन हीट होता है, ये सारे प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन में होते हैं। इसकी वजह से आपके फ़ोन का जो हार्डवेयर डैमेज रहता है, आपका बैटरी जो हीट होने लगता है, आपका चार्जिंग माउंट जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आपने अपने फ़ोन को अगर रूट किया तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जो झेलने पड़ेंगे, ये सारे प्रॉब्लम जो आपको होंगे। तो अगर आपने रूट किया है तो इस पर मैं आप बता दूं कि आप अपने फ़ोन को अनरूट कर लीजिए तो ये सारे प्रॉब्लम आपको होंगे। तो इन प्रॉब्लम से होता ये है कि आपके जो फ़ोन का जो फिजिकल जो है पार्ट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और अगर आप वारंटी के लिए जाते हैं कि बताते हैं कि सारे प्रॉब्लम से सॉल्व करना है तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि आपने फ़ोन को रूट किया है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन अगर फ़ोन में आप इंस्टॉल करते हैं जो कंपनी वाला जो है इसे अलाउ नहीं करता है कि ये जो रूट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हो गए। तो और चीज़ें बता दूँ, अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तब तो आप तो और भी रूट मत कीजिए क्योंकि ये काफ़ी सारा जो फॉल्ट आपको प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज़ बता दूँ कि ये आपका जो रूट है इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो आपको काफ़ी सारे एक्सेस ऐसे मिल जाते हैं जो कि कंपनियों ने रेस्ट्रिक्ट किया होता है ताकि आप जो उनको एक्सेस ना कर पाएँ। रूट करने के बाद जो है अपने आप फ़ोन के पूरी तरीके से आप यूज़ कर पाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें आपको जो है यूज़ नहीं करना होता है एंड्रॉइड फ़ोन में, बट आप उन्हें भी ओपन कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। उसमें कुछ मिस्टेकली अगर आप कुछ कर देते हैं, डाटा इनपुट कर देते हैं, जिसके वजह से आपका फ़ोन पूरी तरीके हैंग हो जाता है, पूरी तरीके काम करना बंद कर देता है, या फिर आपको इंटरनल जो है डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर होता है फैक्ट्री ऐप्स होते हैं उसे आप अनइंस्टॉल कर देते हैं जिसकी वजह से आपको फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो सारे प्रॉब्लम आपके झेलने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जो अपने फ़ोन को रूट ना करें, तो उसको मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। और अभी तक बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिए। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किस टाइप की वीडियो पर आपसे चाहिए तो आपको कुछ सजेशन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।